हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिन मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे HSL सेकेंडरी के बारे में दोस्तों। तो HSL के ज़रिए दोस्तों हम कलर ग्रेडिंग करेंगे अपनी फुटेज के अंदर। तो दोस्तों स्काई को किस तरह से हम बाहर निकालते हैं HSL के ज़रिए दोस्तों, किस तरह से अपनी फुटेज को क्रिएटिव बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सिचुएशन डिपेंड करती है। आपकी फुटेज को अगर आप परफेक्ट कलर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमेशा आपने लॉग प्रोफाइल पे शूट करना है। सी लॉग, एन लॉग, एस लॉग, वी लॉग, जो भी आपके पास कैमरा है सबसे पहले आपने उसकी लॉग प्रोफाइल पे शूट करना है, क्योंकि डायनामिक रेंज आपको पूरी मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद ही हम तभी अच्छे कलर निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HSL के जरिए आप किस तरह से अपनी बेस्ट ग्रेडिंग कर सकते हैं, आइए दोस्तों। तो दोस्तों दो क्लिप हमारे पास है टाइमलाइन के ऊपर, वन एंड टू दोस्तों। एक एडजस्टमेंट लेयर, उसके बाद दोस्तों लुमेट्री स्कोप के अंदर हमें RGB परेड वेवफॉर्म लूमा और वेक्टर स्कोप को ओपन कर चुके हैं। जो फर्स्ट क्लिप है एक्सपोजर है 70+ दोस्तों, और जो सेकंड क्लिप है दोस्तों उसके अंदर जो हमारा एक्सपोजर है 60 है, और यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट है जो दोनों दिखाई दे रहे हैं, इनका एक्सपोजर सेट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले कट कर लेते हैं और इनके ऊपर हम लट अप्लाई करेंगे अमीरा डिफॉल्ट लॉग C2 रेक्स M09 दोस्तों। एरी का मॉडल है ये अमीरा दोस्तों, उसका लट अप्लाई कर दिया जो कि प्रीमियर के अंदर बाई डिफॉल्ट है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट क्लिप के ऊपर भी हम इसी तरह से यही लट अप्लाई करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका एक्सपोजर ज़्यादा है और इसका कम है, ओके एक्यूरेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कंट्रास्ट कम है, कंट्रास्ट 50 कर देंगे दोस्तों। हाईलाइट्स ज़्यादा हैं, हाईलाइट्स -50 कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कर्व के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप शेडो को माइनस में ले जाएंगे, मतलब कंट्रास्ट फिल करेंगे दोस्तों। ये आपका जो क्लिप है एक्यूरेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम इस क्लिप को ब्राइट करेंगे, ओके, और यहाँ से कंट्रास्ट फिल करेंगे दोस्तों हल्के से। ये हमारे क्लिप है दो एक्यूरेट हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद क्लिप सेलेक्ट करना है आपने, क्लिप के अंदर अब क्या करना है HSL सेकेंडरी के अंदर जाना है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाना है। यहाँ से आप आई ड्रॉपर लेंगे दोस्तों और आप अपना स्काई सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे आप कलर ग्रे को ओपन कर लेंगे, उसके बाद कलर ब्लैक लेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ HSL कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, आपको मास्क करके ही हमेशा करना पड़ेगा। आप चाहें कि बिल्कुल मेरा स्काई ही सेलेक्ट हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों एक्यूरेट। कुछ कुछ सिचुएशंस होती है जिनमें एक्यूरेट हो पाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि पानी भी आपका जो सिलेक्शन के अंदर आ चुका है और स्काई भी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से प्लस टूल लेना आई ड्रॉ पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और इसको बंद कर देंगे चेक मार्क को दोस्तों, कलर ब्लैक को। यहाँ से आप शेडोज हाईलाइट मिड टोन का सर्कल ओपन कर लेंगे, यहाँ से मिड टोन के अंदर दोस्तों आप सियान कलर ऐड करेंगे, ओके दोस्तों सियान, और हाईलाइट के अंदर दोस्तों हल्का सा पिंक टोन, ओके डन है दोस्तों। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, लुमेट्री के अंदर बेजियर टूल लेना है दोस्तों, जो कि पेन की तरह दिखाई देता है। यहाँ से आप सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ओके यहाँ से फैदर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे इन्वर्टेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सिर्फ आपके स्काई की सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों, इसको सेट करेंगे, ओके दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, एक नया लुमेट्री ऐड करना है दोस्तों। उसके बाद क्रिएटिव के अंदर जाना है, क्रिएटिव के अंदर जाने के बाद आपको दिखाई देगा शेडो टिंट एंड हाईलाइट टिंट। अगर आप हल्का सा पूरी फुटेज को टच देना चाहते हैं, ग्रीन टच दे सकते हैं दोस्तों, ओके तो ग्रीन टच हमारा हल्का सा क्रिएट हो चुका है। जैसे हमें लग रहा है कि जो बीच है, समंदर है आपका, वो स्काई के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो आप ब्लू के अंदर दोस्तों, सियान के अंदर, ओके ऐड ऑन कर देंगे, ओके दोस्तों। इतना करने के बाद आपने हाईलाइट टिंट के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ बढ़ना है दोस्तों,
ऑरेंज एंड ग्रीन, ओके डन। देख सकते हैं दोस्तों आपकी एक्यूरेसी आ चुकी है। अब हमारा जो कपल है थोड़ा सा उसे बाहर निकालने के लिए आपने जाना है कर्व के अंदर। दोस्तों यहाँ पे ह्यू वर्सेस सैचुरेशन और कपल का जो फेस है रेड एंड ब्राउन के बीच में है और हम इसे अप करेंगे, देख सकते हैं। तो कपल हमारा थोड़ा सा और बाहर आ चुका है, डन दोस्तों। तो क्लिप हमारा एक्यूरेट हो चुका है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप सेकंड क्लिप को भी ग्रेड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसी तरह आप HSL सेकेंडरी के अंदर जाएंगे दोस्तों। ओके, यहां से फिर सिलेक्शन करेंगे दोस्तों आप अपने स्काई की और ब्लैक को ऑन करेंगे दोस्तों यहां पे। ओके दोस्तों, बंद कर देंगे। उसके बाद यहां पे मिड टोन को आप सियान के अंदर लेके आएंगे, ओके डन। उसके बाद इसी तरह हल्का सा पिंक टोन लेके आएंगे दोस्तों, ओके। इतना करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहां से बेजियर टूल लेना है, फिर से मास्क करना है, ओके दोस्तों। यहां से फैदर देंगे और इन्वर्टेड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहां से बाहर कर देते हैं मार्क, ओके। इतना करने के बाद एक नया लुमेट्री क्रिएट करेंगे। नया लुमेट्री क्रिएट करने के बाद क्रिएटिव के अंदर जाएंगे दोस्तों। उसके बाद इसी तरह से हम अपने जो क्लिप को हल्का सा ब्लू के अंदर लेके आएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से हल्का सा ऑरेंज टोन फिल करेंगे दोस्तों, डन है। और इसके बाद आप जाएंगे कर्व के अंदर, रेड एंड ब्राउन को आप हल्का सा अप कर देंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट है हमारा जो कपल है बाहर आ जाए। तो बिल्कुल एक सिनेमैटिक लुक आ चुकी है दोस्तों। मैं प्ले करता हूँ, ओके। तो इतना बड़ा तो क्लिप हम यूज़ भी नहीं करते हैं, और अगर इसे आप और सिनेमैटिक लुक देंगे क्रोप के अंदर जाएंगे दोस्तों। क्रोप बार इसे कर देते हैं टॉप 12 या बॉटम 12 दोस्तों, तो एक सिनेमैटिक लुक आपके क्लिप के अंदर दिखाई देगी। अगर आप इसे एडजस्टमेंट लेयर पर अप्लाई करते हैं आप अपने क्लिप को डाउन भी कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, ओके। तो ये हमारी परफेक्ट कॉम्पोजिशन बन चुकी है। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से HSL सेकेंडरी से आप कलर ग्रेडिंग, मास्क और सारी चीजें किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।